आज हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी और एकदम हेल्दी नाश्ता, जिसे हम बनाएंगे ब्रेड और सूजी के साथ। इसे चाहे तो आप ब्रेड का उत्पम बोलिए या फिर ब्रेड का चिल्ला, ये एक बहुत ही टेस्टी और एकदम झटपट से बनने वाली रेसिपी है। और क्योंकि हमने इसमें काफ़ी सारी सब्जियां यूज़ की हैं, तो बहुत हेल्दी ऑप्शन भी है ये। तो इस नाश्ते को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपके घर में सबको, स्पेशली बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद इस बेल को ज़रूर बजाइएगा, ताकि मेरी सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक ग्राइंडर जार लिया है मैंने यहाँ, और इसमें अब हम डालेंगे अपनी ये ब्रेड। तो मैं आज यहाँ इस रेसिपी के लिए ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे वाइट ब्रेड या मल्टीग्रेन के साथ भी बना सकते हैं। तो मैंने आज यहाँ 4 ब्राउन ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं। इस ब्राउन ब्रेड को अब हम इस तरह से ना हाथों से तोड़कर अपने ग्राइंडर जार में डाल देंगे। तो ये 4 पीस डाल दिए मैंने इस ग्राइंडर जार में, और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप सूजी, 1/2 कप दही डाल देंगे हम इसमें, और 2 हरी मिर्च है मेरे पास, जिसे हम इस तरह से रफली हाथों से तोड़कर डाल देंगे, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच पानी। अभी फ़िलहाल हम इतना ही पानी इसमें ऐड करेंगे और इसका अब हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। और अगर पेस्ट बनाते हुए आपको इसमें थोड़ा और पानी ऐड करने की ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा और पानी भी डाल सकते हैं। तो मेरा ये पेस्ट अब तैयार हो चुका है, और इसे पीसने के लिए मैंने इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच पानी और ऐड किया था, और हमारा ये पेस्ट अब बिल्कुल अच्छे से तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बोल में, और आपको ये पेस्ट थोड़ा डार्क कलर में लग रहा होगा, यानी हल्का सा ब्राउन दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसमें ब्राउन ब्रेड यूज़ की है। तो पेस्ट अब हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसमें थोड़ी सी सब्जियां ऐड करेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटे साइज़ का प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 1 छोटे साइज़ का टमाटर लिया है, इसे भी काफ़ी बारीक काट लिया है, और 1/4 कप बारीक कटी हुई इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे, और 1 मीडियम साइज़ की गाजर ली है मैंने यहाँ, इसे भी काफ़ी बारीक काट लिया है, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने यानी कि राई, 1 छोटा चम्मच जीरा, और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। इसकी जगह चाहे तो आप नॉर्मल लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले इसमें हरी मिर्ची भी यूज़ की थी, तो आप इसे वैसे भी थोड़ा ध्यान से डालिएगा। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद अब मैं इसमें थोड़ा नमक ऐड करूँगी। नमक इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैंने यहाँ 1 छोटा चम्मच नमक इसमें ऐड किया है। नमक डालने के बाद भी हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये जो बैटर है ये अभी मुझे थोड़ा थिक लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। ध्यान रखिए कि हमें इसे एकदम से पतला नहीं करना है, तो हमें इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करना है। तो मैंने इसमें तकरीबन 1/4 कप पानी अभी और ऐड किया है, तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच, और हमारा ये जो बैटर है ना, ये बिल्कुल तैयार है। तो इस टाइप की कंसिस्टेंसी रखनी है हमें अपने इस बैटर की। तो बैटर अब हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसे बस 1 से 2 मिनट तक ना इसी तरह से अच्छे से फेंट लेंगे। तो मैंने इसे 2 मिनट तक फेंट लिया है, और हमारा ये बैटर अब बिल्कुल तैयार है। तो आप दोबारा से देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, बिल्कुल इस टाइप का बैटर बनाना है हमें। तो बैटर अब हमारा तैयार है, अब हम चलेंगे अपने गैस की तरफ। तो उस पर मैंने एक तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है, और इसके ऊपर अब मैं लगा दूंगी थोड़ा सा देसी घी। चाहे तो आप इसमें कोई भी कुकिंग ऑयल या बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ थोड़ा सा देसी घी यूज़ किया है। और इसके बाद अब हम लेंगे अपना ये बैटर जो हमने अभी तैयार किया है। तो 4 से 5 बड़े चम्मच हम इस बैटर के लेंगे, और इसे इस तरह से अपनी इस करछी से ही फैलाकर इसको एक चिल्ले की शेप दे देंगे। तो इस तरह से मैंने अपने इस बैटर को फैला लिया है, और इसके बाद अब हम साइड्स पे और उसके ऊपर हल्का सा देसी घी या ऑयल, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो भी ड्रिजल कर देंगे। और अब हम अपने इस तवे को ऊपर से ढक देंगे, और इसे हम लो मीडियम फ्लेम के ऊपर 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, या तब तक जब तक कि ये नीचे की साइड से पूरे अच्छे से पक ना जाए। तो थोड़ी देर तक मैंने इसे पका लिया है, अब हम इसे एक बार चेक करेंगे। तो एक स्पैचुला से मैं इसकी साइड को पलट लूँगी, तो आप देख रहे हैं कि नीचे की साइड से ये कितना अच्छे से सिक गया है। अब हम इसी तरह से दूसरी साइड से भी इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर सेक लेंगे। चाहे तो आप फिर से पैन को कवर कर दीजिए, या चाहे तो आप इस तरह से इसे स्पैचुला से प्रेस करते हुए भी सेक सकते हैं। तो जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे, वैसे आप इसे दोनों साइड से अच्छे से सेक लीजिए। तो थोड़ी देर तक मैंने इसे दूसरी साइड से भी सेक लिया है, और अब हमारा ये जो चिल्ला या उत्पम है, ये बिल्कुल अच्छे से तैयार है। और अगर आपको अपना चिल्ला थोड़ा क्रिस्पी पसंद है, तो आप इसे इस तरह से स्पैचुला से प्रेस करते हुए दोनों साइड से थोड़ा सा और सेक लीजिए, तब तक जब तक ये थोड़ा क्रिस्पी ना हो जाए। तो अलटते पलटते हुए मैंने इसे थोड़ा सा और सेक लिया है, और अब हमारा ये जो चिल्ला है ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो मैं आज इसे इस तरह से 4 हिस्सों में डिवाइड करके सर्व करूंगी। आप इसे किसी भी तरह से सर्व कर सकते हैं, और इसे आप टमाटो केचप या हरी चटनी के साथ सर्व करिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं।
तो आप देख रहे हैं कि कितना यमी लग रहा है ये देखने में और बहुत ही झटपट से बन करके तैयार हो जाते हैं और एकदम हेल्दी रेसिपी है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।